Hi students, this is KD sir from CM Education. Today we are going to do chapter number 15, probability, exercise 15.2. We have already done exercise 15.1 in two parts, question number 1 to 9 or question number 10 to 25. Right? Ab hum karne wale 15.2, question number 1. Let's start. Two customers, Shyam and Ekta, are visiting a particular shop in the same week, Tuesday to Saturday. Each is equally likely to visit the shop on same day as on another day. What is the probability that both will visit the shops on the same day, consecutive day, different days? Right? First, we will let us see the possible outcomes. Possible outcomes is equal to Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday, right? Thursday ka yun likhte hain aur Friday, right? 1, 2, 3, 4 aur Saturday. Kitna hua? 5, right? Toh agar aapko pata hai toh hum log ne already kiya hua 5 into 5 kitna ho jayega? 25, right? 5 into 5, 25 is our possible outcomes. Ye kaise aata hai? Jara dekh lete ho, chalo. Yahan pe aayega Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. यहाँ पे देखिए Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday, right? ये हो गया. Right? यहाँ पे ये क्या आएगा? Tuesday, Tuesday. ये ट्यूसडे वेडनेसडे, ये ट्यूसडे थर्सडे, ये ट्यूसडे फ्राइडे, ट्यूसडे सैटरडे, राइट? वेडनेसडे ट्यूसडे, थर्सडे ट्यूसडे, फ्राइडे ट्यूसडे और ये सैटरडे ट्यूसडे. यहाँ पे क्या आएगा? वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे वेडनेसडे, फ्राइडे वेडनेसडे और सैटरडे वेडनेसडे. यहाँ पे वेडनेसडे थर्सडे, यहाँ पे थर्सडे थर्सडे, यहाँ पे फ्राइडे थर्सडे और यहाँ पे सैटरडे थर्सडे, राइट? यहाँ क्या आएगा? वेडनेसडे फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे फ्राइडे और ये सैटरडे फ्राइडे, राइट? यहाँ पे वेडनेसडे सैटरडे, थर्सडे सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे और ये सैटरडे सैटरडे, राइट? इस तरह कर देने का. अगर आप गिन के देखोगे तो ये 25 मिलेगा. अब हमको क्वेश्चन नंबर 1 करना है. देखिए, अब यहाँ पे आप आराम से क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हो, राइट? ये देखिए, यहाँ रख देते. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द सेम डे. सेम डे कौन से है देखो तो. ट्यूसडे ट्यूसडे, वन. वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे एंड सैटरडे सैटरडे, राइट? लेट्स स्टार्ट. Therefore, favorable outcomes कितना हुआ? Favorable outcomes is equal to 5, right? तो P of probability that both will visit same day, visit same day. तो क्या आएगा? Possible outcomes, favorable outcomes, sorry, favorable outcomes upon possible outcomes. ये करना है फॉर्मूला. दैट इज 5 अपॉन 25, दैट इज 1 अपॉन 5, राइट? दिस इज योर आंसर. इजी है ना? ओके. नाउ सेकेंड नंबर, डिफरेंट डेज. अब डिफरेंट डेज में क्या होगा? देखिए, डिफरेंट डेज
डिफरेंट डेज में पॉसिबल आउटकम्स देखो तो पॉसिबल आउटकम्स में डिफरेंट डेज बोले तो देखो आपको आराम से बताए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये डिफरेंट डे है देखो तो जरा राइट वन नहीं ये क्या है द सेम डे सॉरी डिफरेंट डे नहीं अभी हमको ये देखना है कंसेक्यूटिव डेज सॉरी नाउ सेकंड नंबर इज कंसेक्यूटिव डेज कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है ये ट्यूसडे जाएगा तो दूसरा वाला वेडनेसडे जाएगा ये थर्सडे जाएगा तो वो फ्राइडे जाएगा तो अगर आप देखो तो ट्यूसडे वेडनेसडे राइट ये थर्सडे नहीं आएगा ये नहीं आएगा तो ट्यूसडे वेडनेसडे तो वेडनेसडे थर्सडे फिर थर्सडे फ्राइडे फिर फ्राइडे सैटरडे राइट फिर उसके बाद वापस सैटरडे फ्राइडे फ्राइडे थर्सडे सिक्स थर्सडे वेडनेसडे और वेडनेसडे ट्यूसडे देखा उल्टा आ गया दिस इज एट राइट तो पॉसिबल फेवरेबल आउटकम इक्वल टू एट राइट समझ पड़ा सब लोग को ट्यूसडे वेडनेसडे वेडनेसडे थर्सडे थर्सडे फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे अब वो रिवर्स में आ जाइए सैटरडे फ्राइडे फ्राइडे थर्सडे वेडनेसडे और वेडनेसडे ट्यूसडे राइट दिस इज द थिंग तो ये है एट देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ विजिट ऑन कंसेक्यूटिव डेज consecutive days is equal to favorable outcome upon possible outcome is equal to kitna aayega 8 upon 25 kuch ho nahi sakta hai so this is your answer right ab third wala kya pucha hai different day third ye hai different day ka matlab kya opposite to same day बस तो P ऑफ E प्लस P ऑफ E डैश इज इक्वल टू वन तो P ऑफ E डैश इज इक्वल टू क्या होगा वन माइनस P ऑफ E सेम डे का राइट देयर फॉर हियर P ऑफ डिफरेंट डे इज इक्वल टू वन माइनस P ऑफ सेम डे राइट कितना आया वन अपॉन फाइव तो 1 अपॉन 5 का एलसीएम ले लो 4 माइनस 5 माइनस 1 अपॉन 5 दैट इज 4 अपॉन 5 आ गया 4 अपॉन 5 तो ये वाला डिफरेंट डे क्या है इसका ऑपोजिट करना है तो 1 माइनस कर देने का तो आपको इजी हो जाएगा आई होप यू अंडरस्टूड राइट फर्स्ट वन सेम डे सेकंड कंसेक्यूटिव डे कंसेक्यूटिव मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट और थर्ड है डिफरेंट डेज ओके नेक्स्ट लेट्स गो टू द नेक्स्ट ओके नाउ क्वेश्चन नंबर टू अ डाई इज थ्रोन इन सच अ वे दैट इट्स फेस ही शोज द नंबर डाइस का फेसेस का नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेकिन आपने देखो यहाँ पे अलग दिया है 1, 2, 2, 3, 3 and 6 राइट सो इट इज थ्रो टू टाइम्स एंड द टोटल स्कोर दैट इज नोटेड इस तरह 1, 2, 2, 3, 3, 6 1, 2, 2, 3, 3, 6 और हमको इसका थोड़ा कंप्लीट करना है राइट कंप्लीट करते हैं चलो 2 + 1, 3, 3 + 1, 4, 3 + 1, 4, 2, 2, 4, 2, 2, 4, 5, 5, 8 3 का हो गया 3, 2, 5, 5 3 + 3, 6 3 + 3, 6 3 + 6, 9 3 का 2, 5 3 + 3, 6 3 + 3, 6 हो गया ये हमारा टोटल है नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज इवन लेट्स सी फेवरेबल आउटकम्स देखो फेवरेबल आउटकम्स कुछ आपको करना नहीं है आपको खाली यहां से ढूंढना है फेवरेबल आउटकम में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
16, 17, 18, बस ये आपको ढूंढना है. तो दैट इज फेवरेबल आउटकम कितना है 18, राइट. तो यहाँ पे लिख दीजिए पॉसिबल आउटकम्स. पॉसिबल आउटकम तो क्या हो जाएगा, 6 6 36, राइट. देयर फॉर प्रोबेबिलिटी टू गेट इवन इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन पॉसिबल आउटकम, राइट. कितना आएगा 18 अपॉन 36, दैट इज 1 अपॉन 2, राइट. ये आपका आंसर. बस सेम वे अभी देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज 6. यहाँ पे पहले फेवरेबल आउटकम लिखिए, राइट. पहले 6 कितने हैं गिन लेते हैं, 1 2 3 4. यहाँ ऊपर से आते हैं पहले, 1 2 3 4, राइट. चलो फेवरेबल आउटकम 4, पॉसिबल आउटकम्स वो तो वही रहेगा 36, सम इज 6 इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 4 अपॉन 36 इज इक्वल टू 1 अपॉन 9, राइट. नाउ यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना, एटलीस्ट 6, मतलब 6 भी चलेगा, 6 के ऊपर जितने भी नंबर है वो भी चलेगा. तो हमको यहाँ ध्यान देना है, राइट. तो लेट अस सी 6 के है. चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ये नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, राइट. ये सारे 6 को भी इंक्लूड कर देने का, 6 के अबव वाले. तो फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 15, पॉसिबल आउटकम्स 36. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 6 इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 15 अपॉन 36, राइट. क्या आएगा, 3 5 15, 3 12 36, दैट इज 5 अपॉन 12. दिस इज योर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड. इजी है, खाली आपके पास ये टेबल बना होना चाहिए और आपको ढूंढ के फेवरेबल आउटकम्स ढूंढना है. लेकिन क्वेश्चन को अच्छी तरह शांति से पढ़ना, क्या पूछा गया है, एटलीस्ट एटमोस्ट, ये सब आपको जानना जरूरी है. ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट सम. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स. ब्लू बॉल्स का नंबर नहीं बताया है, रेड बॉल्स 5 है एंड सम ब्लू बॉल्स. इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ द रेड बॉल, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग. फर्स्ट लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं, क्या भाई एक्स. और नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितना है, इज इक्वल टू 5. देयरफॉर पॉसिबल आउटकम्स मतलब टोटल इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, राइट. ये हो गया. नाउ लेट्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स अपॉन एक्स प्लस 5, राइट. और प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 अपॉन एक्स प्लस 5. ये हमने यहां हमको डेटा फाइंड आउट कर देना है. अब क्वेश्चन पढ़िए, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ द रेड बॉल, दैट इज एक्स अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 5 अपॉन एक्स प्लस 5. ये आपका स्टेटमेंट है. इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज 2 टाइम्स दैट ऑफ द रेड बॉल, दैट इज द थिंग. अब इसको सॉल्व कर दीजिए, लेट्स सी. राइट, ये देखिए x
x plus 5 is equal to tan x plus 5, right? क्या आएगा? x square plus 5x is equal to tan x plus 50. अब क्या आएगा ये? x square plus 5x minus tan x minus 50 is equal to 0. That is x square minus 5x minus 50 is equal to 0. इसका फैक्टराइजेशन करो. tan 5 जा 50, 10 में से 5 गया तो 5, राइट? तो अभी ये 10 5 जा 50, मतलब ये मिडल टर्म क्या है? माइनस में है. तो 10 और 5, राइट? 10 5 जा 50 है, तो बड़ा नंबर का साइन जाएगा माइनस में. तो x minus 10 x plus 5 is equal to 0, right? Therefore, x minus 10 is equal to 0 or x plus 5 is equal to 0. X is equal to 10 or x equal to minus 5. Minus 5 is not possible, right? ये लिख दो यहाँ पे bracket करके. Therefore, the number of blue balls is 10. Understood? This is the thing. Minus 5 करके ball तो हो नहीं सकता है, तो इसलिए x equal to 10 is the answer. Okay? This way you have to do question number 3. Let's go to question number 4. A box contains 12 balls out of which x are black. Right? If one ball is drawn at random from the box, what is the probability that it will be a black ball? First, possible outcomes is equal to 12, क्योंकि total balls दिए हैं, right? Now, number of black ball is equal to x. So if one ball is drawn, what is the probability that it will be a black? Probability of getting a black ball is equal to favorable outcomes upon possible outcome is equal to x upon 12. अब इसमें ज़्यादा confused होने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने खाली x दिया है और उसका probability x upon 12 ही आएगा. Okay, understood? Now, अब question अलग है. If six more black balls are put in the box, right? अब यहाँ पे क्या है? On adding six more black balls, right? तो possible outcomes क्या हो जाएगा? Possible outcomes is equal to 12 plus 6, that is 18 हो गया, right? अब black ball कितना हो गया? Black ball is equal to x plus 6, क्योंकि हम लोग ने x find नहीं किया अभी, तो x plus 6. तो अब बताइए कि ball put in the box, the probability of drawing a black ball, right? अब probability of drawing a black ball, probability of drawing a black ball is equal to क्या आएगा यहाँ पे? x plus 6 upon 18, ये हमारा है. लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं, the probability of drawing a black ball is now double that of it was before, right? तो अभी ये क्या हो जाएगा? x plus 6 upon 18 is equal to 2 times x upon 12, ये आपको करना है. तो 2 अंदर 2, 2 6 जा 6, यहाँ लेके आ जाएगा x plus 6, 6 18, 6 3 जा is equal to x, 3 को सामने भेज दो, x plus 6 is equal to 3x. तो ये क्या हो जाएगा? 3x minus x is equal to 6. 3x minus x is equal to 6. तो 2x is equal to 6. X equal to 3. Therefore, the number of x, the number of black balls is equal to 3. Right? ये भी आपका actually x पूछा है, तो सिर्फ x लिखना है. X equal to 3. This is the answer. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, जब बॉल ऐड होता है तो आपको इस तरह ऐड करना है. ओके, गॉट इट? लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स, सम आर ग्रीन एंड अदर्स आर ब्लू, राइट? तो टोटल मार्बल्स कितने हैं? 24. तो पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 24, राइट? ये लिख दिया हमने. फिर उसके बाद
some are green and others are blue. Let number of green marbles is equal to x. So number of blue marbles kya ho jayega? 24 minus x, kyunki remaining others are blue. Ab probability to get a green, probability to get green marble is equal to favorable outcome upon possible outcome is equal to kya aega? X upon 24. But they already said that green marble jo hota hai wo 2 upon 3 hai. Therefore x upon 24 is equal to 2 upon 3 diya hua hai, right? So x is equal to 2 into 24 upon 3, 3 8s are x equal to 16. X equal to 16, this is green marbles, right? So therefore green marbles kitna hai is equal to 16. Therefore blue is equal to 24 minus 16. Kitna aega? 8. Aapka answer aa gaya. Easy hai ki nahi? Right? Aapko khali yahan ye wala jo portion hai wo yaad rakhna hai, samajhna hai aur karna hai. Okay? Very easy sums. Understood I think? Okay students, so we have completed chapter probability. I hope you understood, right? Got my method. कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपने सजेशंस भी लिखिए, राइट? अगर कुछ भी आपको कुछ सजेस्ट करना है, कुछ बताना है, अच्छा लगा तो जस्ट हमको बूस्ट कीजिए सो दैट वी कीप ऑन गिविंग आवर सर्विस. ओके? और शेयर कीजिए सो दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट मिले. प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, राइट? तो आई होप वी हैव कंप्लीटेड. बाय बाय फॉर द डे. ओके? कीप प्रैक्टिसिंग.